तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि यज्ञ कैसा होता है गांव का। और ये 5 दिनों का था, आज ही लास्ट है, तो किसी तरीके से मैं थोड़ा समय निकाल के जा रहा हूँ ऑफिस के टाइम में, विच इज़ नॉट राइट, बट आई हैव टेकन द परमिशन फ्रॉम माय मैनेजर। और ये जो गांव की सड़क है ना, एज यूजुअल मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि पूरी दुनिया की सड़कें बन जाएंगी लेकिन मेरे गांव की सड़कें नहीं बन पाएंगी। एंड द रीज़न बीइंग कि बहुत सारे ईंट के भट्टे हैं और यहाँ पर बहुत सारे ट्रैक्टर्स चलते हैं जो कि सड़क को सही कंडीशन में रहने ही नहीं देता है, तो इस वजह से सड़क नहीं बनती है, बनती भी है तो वो ख़राब हो जाती है। इट विल बी वेरी स्लिपरी ड्यूरिंग रेनी सीजन। और भी अभी आप देखिए सड़क कैसा है। और आज माघी पूर्णिमा भी है, आज का तारीख है 16 तारीख है आज। ऐसे सड़कों पे ना बाइक बिल्कुल नहीं, मैं पैदल आ जाता बट थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट है इसलिए मैं बाइक से जा रहा हूँ। इस तरफ हमारे खेत हैं, ढेर सारे खेत हैं, अलग अलग जगह में, इस गांव में अलग अलग जगह पर हम लोगों के बहुत सारे खेत हैं, खुद से नहीं करते हैं ना कर पाते हैं, दूसरे को दे देते हैं, वही लोग करते हैं। और हाँ, मैं बोला था आज माघी पूर्णिमा है, तो आज के दिन गंगा स्नान का अपना ही एक इम्पोर्टेंस है, तो मेरी मम्मी और भी अगल बगल के बहुत सारे रिलेटिव्स कजन्स ये सब गए थे गंगा स्नान करने के लिए, मुझे बोल रहे थे, मैंने बोला कि मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि लेट नाइट मैंने काम किया था ऑफिस के लिए, तो सुबह मेरी नींद टूट नहीं रही थी। तो ये है यज्ञ, यज्ञ खत्म हो रहा है इसलिए थोड़ा कम रस होगा। वो यज्ञ मंडप है जिसके अंदर पूजा होती है। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? ये मेन यज्ञ मंडप है जिसके चारों तरफ जो श्रद्धालु लोग होते हैं वो तिरपेखन लगाते हैं, कुछ लोग 108 बार लगाते हैं, कुछ लोग 101 बार लगाते हैं, कुछ लोग से जितना संभव हो पाता है उतनी बार इसके चारों तरफ घूमते हैं।
अब तो यज्ञ खत्म हो गया आज दोपहर में, नहीं तो यहाँ पे हवन और जो मंत्र है सिर्फ उसी के धुन सुनाई देते हैं यहाँ पर। होपिंग कि आपको थोड़ा यज्ञ और मेले का हल्का सा फील तो आया ही होगा, कितना ये वाइब्रेंट होता है। अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट शशि रॉय SHASHIROY बस इतना सर्च करने पे मिल जाएगा। बहुत ही वाइब्रेंट होता है और गांव वालों के लिए तो ये एक उत्सव की तरह है, बहुत एंजॉय करते हैं सभी लोग। और चलिए हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, गांव का कुछ और फील लेते हैं। आवे थियो, चलिए हम लोग गंगा नदी के तरफ चलते हैं। ये सब जगह बाढ़ में जो है ना बहुत गंदे तरीके से डूबा हुआ होता है। मैं जो यहाँ का नियर बाय टाउन है ना भागलपुर, जो मेजर टाउन है, वहाँ से बाढ़ के वक्त में मैंने अपने गांव आने का बहुत प्रयास किया, नहीं आ पाया। इतना ज़्यादा पानी था और सड़क पे वेव चल रहा था, एवरीवेयर यू विल सी वाटर। अभी जहाँ मैं बाइक चला रहा हूँ ना, ये रोड नहीं हुआ करता था एक वक्त पे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खेत हुआ करते थे और लोग पगडंडी जैसे रास्ते होते थे जिस पर कि पैदल चलकर दूर दराज के एरिया में जाते थे। और उधर भी हम लोगों का ज़मीन है, 5-6 किलोमीटर दूर जाकर हम लोगों का बहुत सारा ज़मीन है और इट वाज हार्डली एक्सेसिबल एक्चुअली, एंड वहाँ तक ट्रैवल नहीं कर पाते थे इजीली। उस वक्त में वो क्षेत्र थोड़ा सेफ नहीं माना जाता था। नाउ एवरीवन विल बी एबल टू ट्रैवल टू द रिमोटेस्ट एरिया। तो ये है नीतीश कुमार और वो जो रोड आप देख रहे हैं ना, जहाँ पर मैंने बोला कि रोड अच्छे कंडीशन में नहीं है, मुझे लगता है कि वो लालू यादव की यादें छोड़ी गई हैं। कि आप हमेशा ये याद रखें कि लालू यादव के ज़माने में सड़कें कैसी होती थी और दोबारा गलती ना करें। ओके, लेट मी नॉट टू बी पॉलिटिकल ओवर हियर। जो प्रेज डिजर्व करते हैं उनको प्रेज मिलना ही चाहिए। तो चलिए चलते हैं, हम आपको और रिमोट लेकर चलते हैं, जिसको दियारा क्षेत्र बोलते हैं, गंगा क्षेत्र, जहाँ पर एक दशक पहले पुलिस भी जाने से डरती थी। गांव के आम लोग भी जो हमारे तरफ के हैं वो उधर जाने से डरते थे। दिन दहाड़े खतरनाक काम हो जाया करता था इस तरफ, बट राइट नाउ इट्स सेफ, बिहार इज चेंज्ड। कितने इंटरेस्टिंग न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ, मज़ेदार खबरें। अगर पुलिस कभी जाती थी ना उधर एक दशक पहले, तो उन्हें गुप्त सूचनाएं मिल जाती थी, क्योंकि पुलिस को तो पगडंडियों के रास्ते से जाना है, पैदल जाना है, गाड़ी वाड़ी तो पहुंच नहीं पाएगी। और गांव वाले घोड़े घोड़े से दौड़ के घोड़े दौड़ाकर पहुंच जाते थे, आ रही है पुलिस, आ रही है पुलिस। एंड इवन इट वॉज गोइंग टू बी डेंजरस फॉर पुलिस पर्सनल्स ऑल्सो,
टू विजिट द रिमोटेस्ट एरिया, वो सारे जगह नहीं जानते जितना गांव वाले जानते हैं, बट राइट नाउ इट्स एक्सेसिबल। कहीं से गंगा जी भाग रही हैं और कहीं पर गंगा जी घुस रही हैं। दैट इज वन ऑफ द डेंजरस थिंग अबाउट यू नो बीइंग नियर टू गंगा रिवर, गंगा बेल्ट। कभी कभी गंगा जी अपना रास्ता खुद बनाती हैं किसी और डायरेक्शन में, तो उस रास्ते में जो गांव समाज आया वो गया, कट जाता है। तो यही मैं बोल रहा था, यहाँ पे बहुत सारे ईंट के भट्ठे हैं जिसके लिए बहुत सारा ट्रैक्टर चलता है। ट्रैक्टर जो है ना मिट्टी खोद खोद कर लाते हैं खेतों से। ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं, मिट्टी के पहले कच्चे मिट्टी के ईंटें बनाए जाते हैं जिसको बाद में पकाया जाता है। तो वो जो मिट्टी लाने वाला काम है ना, धुआंधार तरीके से इस गांव और गांव के अगल बगल के क्षेत्र में चलता है, और इस वजह से बहुत सारे ट्रैक्टर चलते हैं जो कि रोड को अच्छे कंडीशन में रहने ही नहीं देते हैं। रोड रिक्वायर्स लॉट ऑफ मेंटेनेंस बिकॉज ये गांव का रोड है, तो आप समझ सकते हो कि इसके लिए कितना फाइनेंस या कितना बजट एलोकेट होगा, और उस बजट में आप किस तरह का रोड बनाएंगे, वो कितना लोड ले सकता है। ट्रैक्टर और ट्रक तो नहीं चला सकते ना, गांव का रोड तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि ये कितना उस गांव की क्या कैपेसिटी और कितना लोड ले सकता है वो रोड। अब यहाँ पे आप बड़े बड़े मतलब हैवी व्हीकल चला दोगे तो रोड का तो धंसना ही है, रोड टूटेगा ही। तो दैट्स द प्रॉब्लम। इधर तो समवाट इट इज़ ओके बिकॉज इट्स न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड, बट हमारे गांव में तो धाराशाही कर दिया है रोड को। ठीक है, ये उन लोगों के जीवन यापन का अपना सोर्स है, किसी तरीके से वो लोग कमा रहे हैं, दैट्स द सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम। उधर है गंगा नदी, दैट्स द मेन गंगा रिवर, गंगा रिवर, गंगा माता, यस। अच्छा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों में से जो लोग सब्सक्राइब किए हैं दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, थोड़ा आप शेयर कर दो अपने फ्रेंड लोग के साथ में, और उन्हें थोड़ा बोलो कि आप भी सब्सक्राइब कर लो। हमारे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, हमारे कंटेंट ना बहुत ही रियल, ओरिजिनल और जेन्युइन होते हैं। मैं कहीं से कोई कॉन्सेप्ट चोरी नहीं करता हूँ, और बहुत ही एक रियल सा चीज़ दिखाने का कोशिश करता हूँ। हमारे में कुछ बनावटी नहीं होता है, जो जैसा है वैसा ही मैं दिखाता हूँ। और ऐसा भी नहीं होता है कि मैं आपको स्पैम करता हूँ कि हर एक दिन कुछ ब्लॉग ला रहा हूँ, वीक में एक, वो भी बड़े मुश्किल से मैं व्लॉग बना पाता हूँ। कंटेंट मुझे खोजने पड़ते हैं क्योंकि मैं नेचुरल व्लॉगर नहीं हूँ, बट आप अगर मोटिवेट करेंगे तो आई कैन थिंक अ लॉट अबाउट दैट। वो मुझे मिल नहीं रहा मोटिवेशन। तो आप लोग, जितने लोग व्लॉग को देख रहे हैं, कुछ लोग बस क्योंकि कभी आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा तो आपके वीडियो फीड में वो एक सजेशन की तरह जाता होगा, शायद आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, अगेन थैंक यू सो मच। आप थोड़ा और लोगों को शेयर कर दीजिए, और लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। आई वॉन्ट टू सी ए बिग नंबर। बहुत सारे व्लॉगर हैं, आई एम श्योर कि इस तरह का ओरिजिनल जेन्युइन कंटेंट शायद ही कोई लाता होगा। बहुत ही मैन्युफैक्चर्ड सा कंटेंट आप देखते होंगे, ऐसा रियल मुझे नहीं लगता है कि कोई लाकर देता होगा आपको कंटेंट। गंगा जी इन्ने से जाए चुकी, गंगा जी इन्ने से जाए चुकी, आरू कहीं से रास्ता की, तो ये जो एरिया है ना क्षेत्र, ये एक टाइम पे बहुत ही बैकवर्ड हुआ करता था। थैंक्स टू द रोड, जो भी रोड बना है ना, ये सब कल्पना के बाहर की चीज़ें हैं। अगर अब मैं क्या बोलूँ, आप में से कुछ लोग लालू यादव के सपोर्टर भी होंगे और बोलेंगे मैं पॉलिटिकल हो रहा हूँ, बट द फैक्ट इज़ कि आप लोग भी ये महसूस करते होंगे कि टुवर्ड्स रोड एंड इलेक्ट्रिसिटी वी हैव सीन अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। और इस वजह से इन लोगों, ये लोग भी मतलब कनेक्ट हो जा रहे हैं, मतलब जो मेजर विलेजेस हैं, हम लोगों का गांव जो है थोड़ा डेवलप्ड है कंपैरेटिवली, तो उससे कनेक्ट हुए, बिजनेस इजी हुआ, और शहर से भी इजीली कनेक्टेड हो गया अब, क्योंकि बड़े बड़े गाड़ी या कोई भी जो भी है फोर व्हीलर्स इजीली अब कम्यूट कर सकते हैं। ये है गंगा जी। Mm-hmm.
यहीं पे आए होंगे आज सभी लोग स्नान करने के लिए, इनफैक्ट मेरी मम्मी भी। इट्स वेरी टफ टू गो डाउन बट दे वुड हैव गॉन एंड टेकन दी पाथ, जहाँ से भी संभव होगा शायद वहाँ से गए होंगे या कहीं से तो गए होंगे। थोड़ा फैलाइए वीडियो को भाई, आप देखते हैं आप लोगों में से बहुत सारे लोग अप्रिसिएट भी करते हैं, सम ऑफ यू आर वॉचिंग एंड अप्रिसिएटिंग एज वेल। स्प्रेड द व्लॉग, स्प्रेड द चैनल, हेल्प अस ग्रो, दैट विल डेफिनेटली मोटिवेट मी टू डू बेटर। एक्चुअली अच्छा बाहर जब आता होता हूँ तो ये सब भरी देता होता ना पानी सा छाती भर ना छोड़ी के चल जाता वो हवाई अड्डा भागलपुर के हवाई अड्डा ना। हाँ जानवर सबका उल्लेख चलो जाए छो ना। हाँ टूरिज्म के बारे में सोचना चाहिए ना। स्पीड बोट लगा दो थोड़ा बहुत, और स्पीड बोट के साथ में पैराग्लाइडिंग डाल दो। यार कहाँ कहाँ से लोग नहीं आ जाएंगे यहाँ पर, है ना। एक पॉजिटिव और ऑनेस्ट इंटेंट होना चाहिए टुवर्ड्स डेवलपमेंट। यू कैन डू एवरीथिंग मैन, यू कैन डू एनीथिंग। खूबसूरत सा सनसेट, ये मौका मुझे नहीं लगता है दोबारा मिलेगा। इट्स लाइक गोल्डन टाइम, रियली अमेजिंग। बैकग्राउंड में मज़ेदार गाने चल रहे हैं। आई जस्ट होप कि कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। चलिए चलते हैं। आई हैव पार्क्ड माय बाइक ऑलमोस्ट ऑन द एज, this is very risky. तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, आई होप कि अच्छा लगा होगा आपको ये व्लॉग। आप लोगों के लिए ही मैं बाहर निकला हूँ, वो भी मैनेजर से बोलकर। लाइक करते हैं ना तो अच्छा लगता है। शेयर कर दीजिए, थोड़ा बढ़ेगा चैनल और भी अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। लकली टाइमिंग बहुत ही अच्छी रही, सही टाइम पे सही जगह पे था और अच्छा सा एक टाइम लैप्स लिया। और आई थिंक नाउ आई कैन फाइनली से यू गाइस बाय फॉर दिस वीक। आई होप यू गाइस विल लाइक दिस व्लॉग एंड स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय। विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय। Thank you.
है।